जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नायरा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि बांझ पन के जो मरीज़ हैं उनके अंदर क्या टेस्ट किए जाते हैं। मुझे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमारे सब टेस्ट हो चुके हैं और हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तो हमारे लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि हमें क्या करें। जब मैं पेशेंट को बुलाती हूँ, मैं देखती हूँ, तो उसमें अल्ट्रासाउंड के अलावा कोई टेस्ट नहीं हुआ होता। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांझपन की इन्वेस्टिगेशन में आती हैं। सबसे पहले अगर हम मेल की बात करें तो मेल का सिंपल एक ही टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सीमन एनालिसिस। उसके अंदर चार पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सबसे पहले कि सीमन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई ब्लड सेल्स तो नहीं है। दूसरा ये कि जरासीमों की तादाद पूरी है या कम है या इंतहाई कम है। उनकी जो मोटिलिटी है यानी एक्टिविटी है वो एक्टिव हैं या सुस्त हैं। अगर एक्टिव नहीं है या तो वो रिपोर्ट में उसके अकॉर्डिंग एक रेंज होती है, उसको मेंशन कर दिया जाता है। इस तरह से कि उनकी साख्त नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब सीमन एनालिसिस के बारे में डिटेल के साथ जो वीडियो है वो मैं अलग एक बनाऊंगी, लेकिन बहरहाल पहला स्टेप मेल का सिंपल एक ही टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस का, जिसमें कि सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मेल के टेस्ट करने के बाद अगली जो बारी आती है वो आती है फीमेल की। फीमेल के अंदर जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आती है इनफर्टिलिटी के साथ, यानी साल हो गया शादी को, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम एक हिस्ट्री के ऊपर देखते हैं कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है तो इसका मतलब ये है कि ये एक निशानी होती है इस बात की कि उनके एग्स बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये हम स्कैन के ऊपर देखते हैं, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि उनके एग्स बन रहे हैं। अगर उनका साइकिल इरेगुलर है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्यों इरेगुलर है। क्या उनके हार्मोनल लेवल्स ख़राब हैं, उनका थायराइड का टेस्ट ख़राब है, उनका प्रोलैक्टिन का टेस्ट ख़राब है, या उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है, या उनको पीसीओएस का इशू है। तो ये सारे टेस्ट उन लोगों के अंदर किए जाते हैं जिनकी माहवारी रेगुलर नहीं है। अब जिनकी माहवारी रेगुलर होती है उनको हम कहते हैं कि आप सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करा के लाएं जिसके अंदर यूट्रस का साइज़ देखा जाता है और अंडेदानियों का साइज़ देखा जाता है। और ये टेस्ट हम यूजुअली 12वें दिन पे कराते हैं जिसमें कि हमें ये नज़र आ जाता है कि उनके अंडे मैच्योर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब इस एक टेस्ट के अंदर यूट्रस का साइज़ भी पता चल गया, उसके अंदर कोई रसौली तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, ये भी पता चल गया, और उसके अंदर जो अंडे दानियाँ हैं उनका साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई सिस्ट तो नहीं है, और वो अंडे पैदा भी कर रही हैं या नहीं कर रहे। और ये टेस्ट कब कराया जाता है? मेंसेस के 12वें दिन पे। जैसे फॉर एग्जांपल महीने की पहली तारीख को आपको मेंसेस आए तो 12वीं तारीख को आपने ये अल्ट्रासाउंड कराना है। इसी तरह से अब जब ये अल्ट्रासाउंड हो गया, इसमें पता चल गया कि फीमेल के एग्स बन रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो अब हम सेकेंड टेस्ट पर चले जाते हैं। वो सेकेंड टेस्ट क्या होता है? उसके हम कहते हैं ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो फीमेल की ट्यूब्स हैं क्या उनके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या अगर ब्लॉकेज है तो वो किस तरह की है, वो ब्लॉकेज उन ओवरियों के अंदर सोजिश कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी। हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी के अंदर एक यूट्रस के अंदर एक डाई डाला जाता है जो कि यूट्रस से होता हुआ ट्यूबों से निकल के अंडे दानियों के पास पहुँचा। अगर तो डाई ये सारा रास्ता क्लियरली पास कर लेता है तो उसका मतलब है ट्यूब्स ओपन हैं और जो हस्बैंड के जरासीम हैं वो भी डेफिनेटली ओपन ट्यूब्स के ज़रिए से अंडों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रुकावट आ जाती है तो आपका पता चल जाता है कि जी इनकी ट्यूबें बंद हैं या खुली हैं। अच्छा, अब अगर किसी मरीज़ के अंडे भी बन रहे हैं, उसके हार्मोन के टेस्ट भी ठीक हैं, उसका हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी के ऊपर जो ट्यूब्स हैं वो भी ओपन हैं, तो फिर क्या टेस्ट मुकम्मल हो गए? नहीं। फिर भी अगर हमल नहीं हो रहा तो डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी रिकमेंड करते हैं। लैप्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि हम पेट में एक सुराख के ज़रिए से कैमरा इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे विजिबली देखते हैं कि जो आपके ट्यूब्स हैं वो देखने में क्या नॉर्मल लगती हैं,
उनके अंदर कोई पस, कोई इन्फेक्शन, कोई एडहियंस तो नहीं है। अगर एडहियंस हो तो हम उनको ब्रेक कर देते हैं। और साथ में ये कि क्या वो अंडे दानियों के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट पड़ी भी हुई है या नहीं पड़ी हुई। और साथ ही हम एक डाई डालते हैं यूट्रस के अंदर और फिर ऊपर से कैमरे में देखते हैं कि वो डाई अंडे दानियों के पास, ट्यूबों से होता हुआ अंडे दानियों के पास पेल्विस में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। बहुत सारे मरीज़ जिनकी हिस्टेरोसेल्पिंगियोग्राफी बिल्कुल ठीक आती है और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो उनका जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि डाई तो आ रहा है लेकिन ट्यूब्स जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में है। उनके आगे पीछे डीएनस बनी हुई हैं, छोटी छोटी ब्लड की सिस्टम उसके ऊपर बनी हुई हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में और इस टैरो के ऊपर पिक नहीं कर सकी। अब वो मरीज़ जिनके मियाँ का टेस्ट भी ठीक है, जिनका थायराइड के, प्रोलैक्टिन के, सीरम टेस्टोस्टेरोन के और पीसीओएस के टेस्ट भी ठीक हैं, उनका 12वें दिन के ऊपर एग बन रहा है और उसका साइज़ बिल्कुल मेच्योर एग के पास है, और इसी तरह से उनका एग को रप्चर होने के लिए, बाज लोगों के एग मेच्योर हो जाते हैं लेकिन रप्चर को देखने के लिए हम डे 1 के ऊपर प्रोजेस्टेरोन कराते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है अंडा फट भी रहा है, उनकी ट्यूबें भी ओपन हैं और उनकी लेप्रोस्कोपी भी हो चुकी है और जो लेप्रोस्कोपी के ऊपर भी ट्यूबें बिल्कुल ठीक है और मियाँ भी ठीक है। वो मरीज़ सिर्फ ये कह सकता है कि मेरे सारे टेस्ट ठीक हैं। अब मेरे पास जो क्लिनिक में मरीज़ आते हैं वो सिर्फ़ एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं और एक हस्बैंड का टेस्ट लेके आते हैं और वो बता देते हैं कि जी। अब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने जो इनफर्टिलिटी का या बे औलादी का वर्कअप है वो कंप्लीट करना है। देखें, अगर मियाँ के अंदर प्रॉब्लम है तो इलाज मियाँ का होना चाहिए। अगर आपके एग नहीं मेच्योर हो रहे हैं तो आपके एग मेच्योर होने का इलाज होना चाहिए। अगर आपकी ट्यूबें बंद हैं, एक बंद है या दो, तो उस कॉज का ट्रीटमेंट करना है। अब मरीज़ क्या करता है, वही अंडे बनने वाली गोलियां खाई जाता है और फिर हमें आके बताता है कि जी, लेकिन टेस्ट करवाने के ऊपर राज़ी नहीं होता। आपकी शादी को अगर एक साल हो गया है और आपके बच्चे नहीं हो रहे तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाके ये कहना है कि हमने कोई दवाई नहीं खानी। पहले आप वजह मालूम करें, आपका डॉक्टर ये सारे टेस्ट कराता है और ये सारे टेस्ट ठीक आते हैं तो फिर वो आपको लेबल करेगा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि इन सारे टेस्टों के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आई है जिसमें के कोई प्रॉब्लम हो। ये सिर्फ 100 में से 10% मरीज़ होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के अंदर फॉल करते हैं। इन मरीज़ों को अगर इनकी एज 30 साल से कम होगी तो डॉक्टर इनको कहेंगे जी आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, अब आप घर जाएं और जाके 1 से 2 साल बच्चे के लिए ट्राई करें। और अगर इनकी एज 31 ईयर से ज़्यादा होगी तो उसके बाद जो है वो आपको डॉक्टर ये कहेंगे कि आप ज़्यादा देर वेट ना करें, 1 साल या 6 महीने इंतज़ार करें। अगर आपको हमल नहीं हो रहा तो अब आप आगे अगले प्रोसेस पे आ जाएं। वो अगला प्रोसेस क्या है, IUI का। 3 कंसेक्यूटिव साइकिल के अंदर डॉक्टर आपका IUI करेगा, जिसमें कि आर्टिफिशियल मेडिसिन से आपको आपके अंडे बनाए जाएंगे और उनको फिर आपके हस्बैंड के जो सीमन है उसको डायरेक्टली ट्यूब्स के पास छोड़ दिया जाएगा, ताकि एग और स्पर्म के आपस में मिलने की जो रेट है वो बढ़ जाए। और अगर IUI से भी आपका कंसेक्यूटिव 3 टाइम IUI फेल हो जाता है तो फिर आपके नेचुरली प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं, less than 3-4% है। फिर या तो आप ये फैसला करें कि आप 3-4% को आजमाएंगे या फिर आप डायरेक्टली IVF करवाने का फैसला कर लें। जो मरीज़ हमारे पास 30-40 साल पूरे 10 साल वेस्ट करके आते हैं उनके IVF के भी रिजल्ट्स को बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो लिहाजा इनफर्टिलिटी के मरीज़ टाइमली अपना वर्कअप कराएँ, टाइमली कॉज को रूल आउट करें और टाइमली, ताकि आपका जो ये सफ़र है इसको, इसके में आपके आपकी गोद में हेल्दी बच्चा जो है वो आ जाए। अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अभी तक लोग इस चीज़ को वो नहीं, और स्पेशली जब उनकी उम्र 40 साल हो जाती है फिर वो बिल्कुल तैयार होते हैं, वो कहते हैं जी अब हम तैयार हैं, हमारा IVF कर दें, हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी कर दें। उस वक्त तक आपकी एज ही इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि IVF की सक्सेस ऐसे पेशेंट्स के लिए सिर्फ 5-10% रह जाती है। तो ये फैसला आपने करना है कि कितना टाइमली आपने इसको ऑप्ट करना है। थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं फर्दर ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।